वडोदरा शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण रॉकेट गति से बढ़ने के साथ हर रोज की तादाद में पॉजिटिव केस के आंक में काफी गंभीर रूप से उछाल आ रहा है। जहां आज भी 145 नए पॉजिटिव केस दर्ज होने के साथ वडोदरा शहर के लिए अब ये खतरे की घंटी समान बन चुके कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच 26,441 पॉजिटिव केस दर्ज हो चुके हैं, तो वही मृत्यु आंक 245 पर ही स्थिर बना है। वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा लिए जा रहे वैसे कोरोना वायरस के सैंपल के तहत आज 145 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए थे। वडोदरा शहर के लिए खतरे की घंटी समान बन चुका और बेकाबू बन चुके वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच हर रोज की तादाद में भारी और गंभीर रूप से ये पॉजिटिव केस के आंक में उछाल आ रहा है। वडोदरा शहर के लिए अब कुल मिलाकर कोरोना पॉजिटिव दर्दियों का आंक 26,441 पर पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है कि बीते महीने के दौरान कोरोना वायरस की महामारी के बीच कहीं न कहीं सरकार द्वारा ही इसे हल्का बनाया गया था, जिसमें चुनाव के वक्त की गई वैसी चुनाव प्रचार की रैली आम सभा को संबोधित करने के बाद अब ये कोरोना वायरस का संक्रमण गंभीर रूप से बेकाबू बन चुका है और नतीजा शहरी लोग एक बार फिर कोरोना वायरस के संक्रमण में फंसते हुए शिकार बन रहे हैं और कहीं न कहीं मौत के हवाले भी हो रहे हैं। जहां आज भी 145 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए थे, बीते 24 घंटे के दौरान 4,312 जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे, तो वही मृत्यु आंक आज जीरो को दर्शाते हुए 246 पर स्थिर बना है। आज 82 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, कुल मिलाकर अभी तक 25,420 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। आज नए बने कोरोना पॉजिटिव विस्तारों में से बापोद, रामदेवनगर, संवाद, सुदामापुरी, वागोड़िया रोड, आजवा रोड, वारसिया, कारेलीबाग, समा, हरनी, एकतानगर, छानी, जकातनाका, कपुराई, सोमा तालाब, मांजलपुर, माणेजा, दंतेश्वर, वड़सर, मकरपुरा, तांदलजा, अडलात्रा, गोत्री, गोरवा, गोकुलनगर, सुभानपुरा, जेतलपुर तथा वडोदरा के ग्रामीण धनियावी, पादरा, अर्बन, अनगढ़, अंकोड़िया, कोयली, महापुरा, कनोड़ा, करजन, अर्बन, लातीपुरा, पादरा आदि विस्तार से कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए थे।